मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। उनके भाषण का, उन्होंने जो भाषण दिया उस बारे में आपको जो झूठ उन्होंने बोला उसकी सच्चाई को आपके सामने रखकर, ताकि मोदी जी को भी मालूम हो जाए कि मोदी जी आप लंबी लंबी फेंकते हैं जावेद की तरह, मगर हम आपको सच्चाई बता देते हैं। और सच्चाई ये है मेरे भाई कि भारत में मुस्लिम हमारी माँ और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान वो कम हुआ है, हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते, बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह की कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। ये एक गवर्नमेंट का डेटा बता रहे, फर्टिलिटी रेट 2.36। अब आप इस पे आ जाइए। दूसरा उन्होंने कहा कि यहां पर घुसपैठी है। 15 जुलाई 2014 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इस तरह का कोई जवाब नहीं दिया, कोई एस्टिमेट नहीं है कहा। 25 नवंबर 2014 को गवर्नमेंट ने कहा कि कोई डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। 6 दिसंबर 2016 को गवर्नमेंट ने कहा कोई कंफर्म डेटा नहीं है बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं। 22 दिसंबर 2015 को लोकसभा में गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है। 21 मार्च 2017 को मोदी सरकार ने कहा कि डेटा अवेलेबल नहीं है। 11 अप्रैल 2017 को गवर्नमेंट ने कहा कि डेटा नहीं है कि बांग्लादेश से कितने आ रहे। 1 अगस्त 2017 को गवर्नमेंट ने वही जवाब दिया। 20 मार्च 2018 को वही जवाब दिया। 2 जुलाई 2019 को वही जवाब दिया। 3 मार्च 2020 को मोदी सरकार ने वही जवाब दिया कि हमारे पास डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। तो मोदी जी आप किस बुनियाद पर घुसपैठी कह दी हमको बताओ। अब मोदी जी का जवाब सुनो आप। अब हम उनको जवाब दे रहे हैं। अगर हमारे दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं, वहां पर बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा पूरे भारत से मिलता है, तो मुंबई से और दक्षिण भारत से मिलता है। मोदी जी आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अगर दक्षिण भारत के लोग बोलना शुरू कर दे कि हमारे पास पार्लियामेंट की सीट कम है, हम बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं, पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे भारत के प्रधानमंत्री, बताओ हमको, बताओ क्या जवाब दोगे आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नरेंद्र मोदी भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और अगर और भी आपको डेटा चाहिए, अच्छा ये बोलते, हाँ एक और बात जो मैं आपको बता रहे हैं, मुसलमानों का गरीबी में कितना हमारा तनासुब है, कितने गरीब है मुसलमान, इसके बारे में आपको हम आज बता के जाएंगे। जो मुसलमान गांव में रहता है, जो मुसलमान, मोदी जी सुनो, अगर कान में सुनने की ताकत है तो सुनो देश के प्रधानमंत्री। ए भाई रुक जाइए ना। मुसलमान जो गांव में रहता है, जो वो अपने पैसे खर्चता है खाने पीने के लिए, सबसे कम खर्चने वाला अगर कोई है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा सिख है, जो महाना उसका खर्चा 2106 रुपये, हमारे 1170 रुपये, और मुसलमान सिर्फ 1133 रुपये खर्चता है। ये मोदी की सरकार का डेटा है। कितना झूठ बोलोगे मोदी जी तुम, कितना झूठ बोलोगे। मगर मोदी जी को किन मुसलमानों से मोहब्बत है मालूम आपको? कौन से मुसलमान से मोहब्बत है मोदी जी को? दुबई जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे,
दुबई और सऊदी अरब जाएंगे तो उसको बोलेंगे या हबीबी या हबीबी, ऐसा मिलेंगे जैसा कि एक भाई से मिल रहे हैं और हमको ऐसा देखते हैं, हम घुसपैठी है। मोदी जी उसका नाम अगर मोहम्मद बिन जायद है तो इसका नाम अख्तर अली मान है। दुबई के मुसलमान से मोहब्बत, सऊदी के मुसलमान से मोहब्बत और सीमांचल के बेटे अख्तर अली मान से नफरत क्यों मोदी जी बताओ।